तस्वीरें देख रहे हैं आप, केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है कि कहीं माहौल न बिगड़े। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कल शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से घंटों पूछताछ हुई है, सीबीआई ने पूछताछ की है और कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, आज बारी है भारतीय जनता पार्टी की। आप नारे सुन रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक है, केजरीवाल चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन और मांग कि अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे, क्योंकि शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है और साथ ही अब मुख्यमंत्री पे भी सवाल उठ रहे हैं और उनसे सवाल किया गया है, 56 सवाल करना, कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि ऐसे कई बातें हैं, ऐसे कई सबूत हैं जो एजेंसियों के सामने आ रही है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी बैरिकेड से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमलावर बीजेपी हो रही है, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ना सिर्फ एजेंसियों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि इस तरीके से माहौल बनाकर जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से सत्र बुलाया गया है उस सत्र को लेकर भी एलजी ने सवाल उठाए और सवाल उठाने के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सदन में कहा कि ये मीडिया के सामने जो पत्र लिखा गया था वो कैसे लीक हुआ और जब लीक हुआ तो इसके बाद से क्या एलजी को विशेषाधिकार जो समिति है उसके सामने पेश होना चाहिए या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।